कृष्णा, श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव नंदोत्सव वाले दिन हुआ, क्योंकि नंदोत्सव जब कृष्ण का जन्म हुआ तो रात्रि में योग माया के प्रभाव से सभी लोग सो रहे थे, सभी लोग, और जब सुबह होने वाली थी तब भगवान ने रोना शुरू किया और फिर यशोदा माता जग गई और फिर सभी लोगों को धीरे धीरे पता चला और फिर वहाँ पे त्यौहार का माहौल हो गया। पूरे ब्रजवासी लोग आके वहाँ पे नृत्य कर रहे थे, वहाँ पे नाच गा रहे थे, सभी लोग आके नंद महाराज और यशोदा माता को बधाई दे रहे थे। सभी जितना खुशी नंद और यशोदा को था उससे उतना ही खुशी सभी ब्रजवासियों को भी था। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्रत किया था, ब्रजवासियों ने व्रत किया था कि हमारे राजा और रानी को कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, इसलिए उनको उन्होंने सबने व्रत किया था। यह हमारा वैदिक सभ्यता का महत्व है कि सभी लोग एक दूसरे को खुश देखना चाहते हैं। सब लोग सोचते थे कि हमारे तो संतान है लेकिन हमारे राजा और रानी के संतान नहीं है, तो उनको भी होना चाहिए। तो ये नंद और यशोदा ने सबसे नहीं बोला कि आप हमारे लिए व्रत करो, लेकिन उन्होंने व्रत किया, है ना, उन्होंने व्रत किया। और आज देखा तो उनका जो पुत्र हुआ तो सभी लोग बहुत ही प्रसन्न थे, सब लोग वहाँ आके उत्सव मना रहे थे। और आप देखिए यहाँ पे कि उत्सव का वर्णन आता है कि सब लोग जो उनके पास सबसे बेस्ट ड्रेस था वो पहन के आए थे, बेस्ट ज्वेलरी, सब लोग नंद और यशोदा को बधाई दे रहे थे। नंद और यशोदा सबको अपना चैरिटी दान में, उन्होंने बहुत सारी गाय दान में दिया, ये सब चल रहा था, है ना। और फिर सारे ब्रजवासी एक दूसरे के ऊपर दही भर भर के डाल रहे थे, है ना। तो उस समय इतना ऑपुलेंस था कि लोग इस तरह से दही और मक्खन एक दूसरे के ऊपर डाल डाल के, बाल्टी भर भर के, वो एक दूसरे के ऊपर डाल डाल के जो है एक दूसरे से गले मिल रहे थे और एक दूसरे पर मक्खन और दही उड़ेल रहे थे, है ना। ये उनका इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो खुश थे, है ना। और वहाँ पे इतना दही और मक्खन हो गया कि नीचे कीचड़ हो गया था, दही और मक्खन का कीचड़ जमीन में, है ना। तो इस तरह से नंदोत्सव वहाँ पे मनाया जा रहा था। और फिर तो ये जो नंदोत्सव है, नंदोत्सव का महत्व ये है कि नंदोत्सव मनाने से सारे विश्व को पता चल गया कि कृष्ण का जन्म हो गया है, कृष्ण का आविर्भाव हो चुका है, प्राकट्य हो चुका है। कृष्ण के प्राकट्य का नंदोत्सव माने कृष्ण के प्राकट्य का सेलिब्रेशन, है ना, उसको मनाना, त्यौहार को मनाना। तो श्रील प्रभुपाद का प्राकट्य आज के दिन हुआ और श्रील प्रभुपाद ने ही पूरे विश्व में इस जन्माष्टमी को, नंदोत्सव क्या है, जन्माष्टमी को सेलिब्रेशन करना, जन्माष्टमी का महत्व नंदोत्सव से समझ में आ रहा है। अशील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में जा जा के नंदोत्सव और जन्माष्टमी का जो है प्रचार प्रसार करवा दिया ना, पूरे विश्व में जाके। तो